गुड मॉर्निंग जी, अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और आज है 1 सितंबर। आज हमारा कह सकते हो, अभी मेरे साथ ही हो, आखिरी दिन है तिब्बत में। बेसिकली कल मेरा होगा, वैसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं कर बैठा हूँ, वो आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। तिब्बत ट्रैवल के अंदर ना बहुत से डॉट लगते हैं वार्निंग वाले, वो सारी वार्निंग्स आपको बताऊँगा। तो जैसे भी किसी भी कंट्री में मैं जाता हूँ, ऑलवेज़ एक ट्रैवल गाइड की वीडियो बनाता हूँ। आज बनाते हैं वो ट्रैवल गाइड की वीडियो। मेरे को अभी थोड़ा सा एक्सेस ही है लासा में घूमने का, लासा में घूम घूम के आपको एक ट्रैवल गाइड की प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे पहुँचना है और कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। ये मसाजर चेयर, स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, होटल, सब जगह लगी होती है। जैसे आप घूम के आते हो तो इसके अंदर आप बैठ के अपना मसाज करा सकते हो। ये वीचैट का स्कैनर दिया हुआ था, वीचैट के ऊपर स्कैन करके आप पे करके इसको यूज़ कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेट 20 RMB लगते हैं कुछ आधे घंटे के। तिब्बत, जिसे लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान की धरती भी कहा जाता है, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और लैंड ऑफ गॉड इसलिए कहा जाता है कि शिव जी जी का घर यहीं पे है, क्योंकि कैलाश की जो पवित्र, पूरे तिब्बत की सबसे पवित्र माउंटेन मानी जाती है, वो भी इसी कंट्री में है। ऊपर से दुनिया की सबसे पवित्र होली लेक मानसरोवर, जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी आता है और जिसका जिक्र काफ़ी वेदों में, शास्त्रों में, बहुत से वेदों शास्त्रों में आता है, वो भी तिब्बत में है। पहला ट्रैवल ब्लॉगर यहाँ पे आया हूँ तो एक बताता हूँ कैसे है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंजॉय किया मैंने, पर बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। पहले करते हैं कि तिब्बत पहुँचना कैसे है, वीज़ा कैसे है, इसका परमिट कैसे बनेगा, वो सब बातों की बात करते हैं। छोटी सी मार्केट है, वो से आपने काफ़ी वीडियो में देखी है। अब बात करते हैं तिब्बत पहुंचने की। तिब्बत के लिए आपके लिए 2 वीज़े लगते हैं जी प्रॉपरली। एक वीज़ा तो लगता है चाइना का, चाइना मेनलैंड का वीज़ा लगता है, उसके बाद फिर बनता है तिब्बत परमिट बनता है, या जिसको तिब्बत का वीज़ा भी कह सकते हो, क्योंकि जो तिब्बत है ना वो ऑटोमस रीजन है। चाइना के 3-4 ऑटोमस रीजन है जिसमें से एक तिब्बत है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऑटोमस रीजन क्या होते हैं वो गूगल पर आप लोग सर्च कर लेना। चाइना का टूरिस्ट वीज़ा आपको दिल्ली से मुंबई और कलकत्ता, 3 जगह एम्बेसी है, आपको तीनों जगह आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एंट्री का जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है वो 7000 के नियर आता है सिंगल एंट्री का। उसके बाद चाइना वीज़ा लेने के बाद आप इंडिया से ही कोशिश करो, चाइना आने के बाद नहीं, इंडिया से कोशिश करो। जब आपका चाइना का वीज़ा आ जाता है तुरंत इंडिया में नेक्स्ट प्रोसेस आप अपने तिब्बत के परमिट का शुरू कर देना, या जैसे तिब्बत का वीज़ा कह लो या तिब्बत का परमिट कह लो। एक्चुअली क्या, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, लंच टाइम हो चुका है, तो पहले खाने आया हूँ और साथ में यहाँ बैठ के बात करेंगे अगर माहौल शांति वाला मिल गया, क्योंकि पूरे चाइना में इतना मेरे को रोला रप्पा कहीं नहीं मिला, गाड़ियों की साउंड, लोगों का, जितना मेरे को तिब्बत में मिला है, पूरा इंडियन माहौल है यहाँ पे। ये सारा ओल्ड टाउन है जी लासा का, लासा बेसिकली कैपिटल है तिब्बत की। अभी बात कर रहे थे हम तिब्बत के परमिट की, परमिट और वीज़ा कैसे मिलेगा आपको। उसके लिए आपको यहाँ से किसी भी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेना पड़ेगा, वही आपका परमिट और वीज़ा चाइनीज़ गवर्नमेंट से बना के आपको दे सकता है। विजुअल आप इस कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको आपको घूमने के लिए यहाँ पे गाइड या ट्रैवल एजेंसी का बंदा आपके साथ चाहिए, आप इंडिविजुअल नहीं घूम सकते हो। खाली आप एक लासा में जब पहले दिन आते हो तो उस पहले दिन वो पैकेज के अंदर रेस्ट करवाते हैं, बस उस दिन आप अकेले घूम सकते हो, वो भी परमिट आपका पॉकेट में होना चाहिए। पैकेज है वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 26 दिन तक के मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट और आपके दिन कितने बनते हैं। एक्सपेंसिव होता है जी, मैंने 6 दिन का पैकेज लिया था जो अप्रॉक्सीमेट खाली पैकेज मेरे को 85,000 का मिला है, जिसके अंदर स्टे, गाइड और ब्रेकफास्ट और
पर्सनल लंच एंड डिनर मोस्ट प्रोबेबली पेड बाय यू है, जो अप्रॉक्सीमेट एवरेज समय की चलिए, जो जैसे आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो ग्रुप में आपको लंच करना होता है, अप्रॉक्सीमेट 50 RMB से लेके 60 RMB पर टाइम लंच के लगते हैं, वही 600 से लेके 750 के बीच में। पैकेज आप सी ट्रिप से ले सकते हो, और भी बड़ी कंपनीज हैं, बट सब के सब चोर ही हैं। कोशिश है कि सी ट्रिप गवर्नमेंट की, चाइनीज़ गवर्नमेंट की अपनी है, तो उसकी थोड़ा सा रेपुटेशन वेल है। मैंने सी ट्रिप से ही लिया था अपना जो पैकेज लिया था। हम बात करेंगे कि तिब्बत लासा पहुंचना कैसे है, क्योंकि आपका टूर जो स्टार्ट होगा वो लासा से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर कैलाश मानसरोवर का भी है। अगर आप कैलाश दर्शन करना चाहते हो या मानसरोवर दर्शन करना चाहते हो तो वो पैकेज भी है, पर उसके बारे में मैं ना बिल्कुल वीडियो के एंड में बात करूंगा कैलाश मानसरोवर के बारे में। पहली बात, यहाँ पे आने पे दो ही रास्ते हैं, आप जा बाय एयर आ सकते हो या बाय ट्रेन आ सकते हो, क्योंकि बाय लैंड आपको किसी भी फॉरनर को एक्सेस नहीं दिया हुआ तिब्बत के अंदर ट्रैवल करने का। हालांकि सबसे खूबसूरत तो बाय लैंड है, बाय लैंड जितनी आप नेचर देखोगे ना तिब्बत की, आप खुद खुश हो जाओगे कि बाय लैंड इतना खूबसूरत है, बट एक्सेस नहीं है, सिर्फ ओनली टू चाइनीज़ पीपल को एक्सेस है बाय लैंड। तो बाय ट्रेन के मैंने जैसे किया कि आया मैं बाय ट्रेन हूँ, जाऊँगा बाय मैं फ्लाइट। भाई ट्रेन आने के लिए स्टैचू देखिए जी, बुद्धा का कितना प्यारा बना हुआ है। ओ लिशोर पड़ रही है बड़ी ज़्यादा, नहीं तो अच्छा खूबसूरत था। ये सारी स्विनियर शॉप्स हैं, ये स्विनियर लेने हैं आज। बाई ट्रेन आपको इंडिया से आप कहाँ आते हो, गोंजो आते हो, बीजिंग आते हो, शंघाई आते हो, तो हर जगह से आपको यहाँ की ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन में तीन ऑप्शन होती है, सीटिंग, हार्ड स्लीपर और सॉफ्ट स्लीपर, वो अपनी पॉकेट के अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली देख लेना। सेंटर स्क्वायर है जी, ये सामने जौखन टेम्पल है उसका, ये सबसे फेमस सेंटर स्क्वायर है। ये सारा शॉपिंग मॉल है। एक बहुत बड़ी वार्निंग है, मैं वीडियो के बीच में बता देता हूँ, मेरे पीछे जैसे पुलिस वाले हैं पूरे चाइना में, पूरे तिब्बत में, गलती से पुलिस वालों की, मेरे को तो अभी तक ये पानी की बोतल का रेट ही पता लगा। पूरे लासा में अगर मैंने 15 बार खरीदी होगी, जिसमें 7 बार 2 रुपये की, 2 RMB की मिली है और 7 बार 3 RMB की मिली है। जिसका जहाँ पे जितना दाव लगता है वो लगा लेता है। पानी की बोतल भी आपकी समझ के चलो 2 RMB की है, 3 RMB की, कोक भी आपकी 3 RMB की है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। चलिए अभी डाउन स्केयर में बैठ के यहीं वो वीडियो कम्प्लीट करते हैं अपनी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आओ बाय ट्रेन, जाओ बाय एयर। कारण क्या है कि बाय ट्रेन जब भी आते हो, एक तो बॉडी आपकी स्टेप बाय स्टेप हाई एटीट्यूड में जाती है, दूसरी बात ये अकेली ट्रेन है जो 70,000 फीट पे चलती है। इसमें एक स्टेशन आता है जिसको बोलता जाता है तुंगड़ा पास, वो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है जो 16,700 फीट की ऊंचाई पे है। बट आपको ऑक्सीजन की दिक्कत 14,000 फीट की ऊंचाई से ही शुरू हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि तिब्बत टोटली ही ड्राई है, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत कम। अभी जिस एरिया में बैठा हूँ ये अभी इन्होंने बाहर से मिट्टी मंगवा के लासा के डाउनटाउन के अंदर प्लांटेशन की है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत कम हो। और मैं अभी वॉक कर रहा था ना, मेरे को ऑक्सीजन की दिक्कत थी, मैंने इसलिए यहाँ बैठ के वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश की। ट्रेन आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने शीनिंग से ली है, शीनिंग से टोटल 24 घंटे की जर्नी रह जाती है। अगर आप बीजिंग से लेते हो या शंघाई से लेते हो तो फिर जर्नी 48 आवर से लेके 60 आवर के बीच में है। अब आ जाए ये मेन बात फूड की। फूड की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग सारी बड़ी फूड चेन्स हैं और सब रीजनेबल पे हैं। लासा में बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, मगर नेपाली बंदों ने खोले हुए, जिनकी आपको बफे मिल जाएगा, एक सेट बफे मिल जाएगा जो अप्रॉक्सीमेट 50 RMB से शुरू होकर 60 RMB का, अप्रॉक्सीमेट 600 से लेके 800 रुपये के बीच में खाना मिलेगा। इतनी हाई एटीट्यूड पे खाने की कॉस्टिंग तो आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्रामाइज़ करना चाहते हो तो लोकल रेस्टोरेंट है जिसमें आप जाके चिकन राइस, वेजिटेरियन राइस, वो आपको 30 RMB से लेके 40 RMB के बीच में मिल जाएंगे। जो मैं अभी खा के आया हूँ तो वो मेरा उसको 30 RMB लगे थे। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो ग्रुप का लंच वैसे अपना गाइड अच्छी जगह ऑर्गेनाइज करके देता है, तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है। अकेले आप दो ही दिन होते हो, जिस दिन आपको खाना होता है तो लोकल रेस्टोरेंट में
अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो लोकल रेस्टोरेंट में आप याक का मीट ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्दी माना जाता है। इनकी एक बटर टी आती है जो याक के दूध से बनती है, वो भी बहुत हेल्दी होती है जी। ये सब चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए आपको अच्छी मिल जाएंगी। बाकी हाइपर स्टोर्स हैं, मैं आपको बता ही दिया कि बिग फूड चेन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाने की भी किसी प्रकार की भी। ओनली दिक्कत आपको आएगी हाई एटीट्यूड की, क्योंकि लासा भी 13,000 फुट की ऊंचाई पे है। आपको गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो अप्रॉक्सीमेट 350 से लेके 500 रुपये के बीच में कंपनी टू कंपनी वैरी करेंगे, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर आसानी से मिल जाएंगे। बात करें सेहत की, तिब्बत बहुत हाई एटीट्यूड है, दुनिया की अकेली मात्र कंट्री है जिसकी एवरेज हाइट जो आती है 14,000 फीट आती है। और दूसरी बात, तिब्बत एक ड्राई रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपके बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन या आपको ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो फिर आप इस जगह को ट्रैवल करने के लिए अवॉइड ही कीजिए। मेरे को अभी दिक्कत नहीं आई बिकॉज मैं हेमकुट साहब जाता रहता हूँ, तो मेरे लम्स ऐसे बन चुके हैं कि मेरे को कम ऑक्सीजन भी मैं सर्वाइवर कर जाता हूँ। जैसे मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, अमित शर्मा जी, वो बद्रीनाथ जी गए थे, उनको बद्रीनाथ में जाके दिक्कत आ गई थी ऑक्सीजन की। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत रहेगी चाहे धूप हो चाहे ना हो। आप मेरी सारी वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि सांस तो मेरी भी फूलती है, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन गाइड भी जब आप ट्रिप में करते हो तो गाइड के पास भी होती है, जिस ट्रेन में आप आते हो वहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल जाती है, और मार्केट में भी आप ऑक्सीजन के सिलेंडर ले सकते हो। मैं आपको वो दिखा दूँगा, मुझे किस्म के जो ना 350 से 550 के बीच में। दूसरी बात, ठंड अच्छी है जी, अगस्त सितंबर में भी टेम्परेचर जो है वो रात को 5 डिग्री रहता है और दिन में मैक्सिमम 15 डिग्री रहता है। मैं आज हाफ स्लीव पहन के आया हूँ, आज 17 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने हाफ स्लीव पहनी है। तो आप अपने हाई एटीट्यूड के मुताबिक कपड़े भी वैसे लेके आना। मेडिसन जो आपकी बॉडी को मेडिसन लगी है वो मेडिसन विद प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो मेडिसिन जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन तो मिल जाएगी पर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो बहुत कॉस्टली देते हैं, बहुत परेशानी आती है अगर कोई मेडिसिन की आपको दिक्कत हो जाए। तो बेटर है कि आप इंडिया से कैरी करो पर साथ में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि आपको चाइना आने के बाद कोई चेकिंग नहीं होगी। जैसे ही आप किसी भी चाइना मेन लाइन से लासा के लिए या तिब्बत के लिए ट्रैवल करोगे, तो अभी तक 6 दिन में मेरा पासपोर्ट और मेरा परमिट अप्रॉक्सीमेट 39 टाइम चेक हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें चेक होती है, कई बार आपके सेलफोन भी चेक होते हैं इसमें क्या है, लैपटॉप भी चेक होते हैं, वो आगे बात करता हूँ। मेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके चलना मेडिसिन के लिए। जो ऑक्सीजन की बात कर रहा था जी, ये ओपनली हर दुकान पर आपको मिल जाएगी, हर दूसरी दुकान पर ऑक्सीजन पड़ी है जिसकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी सी मार्केट बहुत प्यारी सी बनी हुई है जी, ऐसी कम से कम भी 50 से 100 मार्केट है जिसके अंदर आगे 100-100, 200-200 दुकानें हैं। मोस्टली क्या है, सिमरने हैं या जब पर्ल्स हैं, स्टोन्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं जी, है बिकते यहाँ पे है, ये टर्की के स्टोन है सारे, मगर देखो सब जगह स्टोन्स ही हैं शॉपिंग के लिए। ये यहाँ के कीड़े मकोड़े, ये वो है जी, मैं इसको क्या बोलते हैं, कीड़ी जड़ी बूटी, ये सारे 3-3 स्पाइसेस हैं जी। अगर आप ख़रीदना चाहो तो बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, सारा 3-3 स्पाइसेस का है और 3-3 स्वीट्स का है। अभी बात करेंगे जो मेजर इशू है तिब्बत आने से पहले, कुछ जो वार्निंग आपको देना चाहता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग्स है जी, वो आप एक नोट कर लीजिए। जब भी आप चाइना आते हो, तिब्बत एक ऑटोनमस रीजन है, डू नॉट डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स। कोई पॉलिटिशियन की आपको किसी के साथ भी कोई डिस्कशन करे, आपको कुछ किसी भी तरीके से बात नहीं करनी कि इनका क्या स्टेटस है। दूसरी बात, आप लोगों को पता ही होगी ये तिब्बत जो रीजन है पूरा उसके ऊपर है, ये सब बुद्धिज़्म को मानते हैं, और जो बुद्धिज़्म के मेन गुरु हैं दलाई लामा जी, वो इंडिया में रहते हैं, वो भी एक बड़ा कंफ्लिक्ट इशू है, उस इशू को भी आपको डिस्कशन नहीं करना है किसी के साथ भी, गलती से भी अपने अगर मिस्टेकली या धर्मशाला गए हो या दलाई लामा पे वहाँ पे विज़िट किया है, वैसी कोई फ़ोटो आपके मोबाइल में है तो आप डिलीट कर देना। वो जिस दिन पहले दिन आया था मेरे मोबाइल में थी, तो उसने मेरे को आते ही पूछा भी आप पंजाब से हो, मैं कहा हाँ, तो उसने स्पेशल पूछा कि आप धर्मशाला गए हो, मैं कहा गया हूँ, उसने वो फ़ोटो डिलीट कराई। फिर अगर पुलिस वालों ने चेकिंग कर ली तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ये चीज़ों का ध्यान रखना जी।
पॉलिटिशियन की धर्म की कोई डिस्कशन नहीं करनी। तीसरी बात, आप इस ट्रिप के अंदर ऐसे कुछ जोन में ट्रैवल करते हो जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं, जो अप्रॉक्सीमेट कई बार आपको लगेगा इंडिया का बॉर्डर 50 किलोमीटर है, वहाँ जाके तो बिल्कुल भी कान मुंह नाक आँख बंद करके रखना है। अगर कोई आके बात करे, बस उतनी बात करो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा जी, क्योंकि ये बहुत कंफ्लिक्ट जोन है। भी डिस्कशन वही करो जो इनके हित में है, जो ये लोग सुनना चाहते हैं। आपको कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कौन कम्फर्ट है कौन नहीं कम्फर्ट है। अगर कोई आके डिस्कशन करता है भी हमारी यहाँ पे लाइफ अच्छी नहीं है, बुरी है, ये है, आप उसे इग्नोर करो, बट उसके साथ डिस्कशन कैरी मत करो। कोई पता नहीं वो पुलिस का बंदा हो या CBI का बंदा हो। इस पूरे ट्रिप के अंदर अभी तक मेरा 39 बार पासपोर्ट चेक हो चुका है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से रखना। कार्ड सारे चल जाते हैं जी, करेंसी कोई भी ले एक्सचेंज हो जाती है। बेटर है अगर आप डॉलर लेके आ रहे हो तो आप अपनी करेंसी चाइना मेन लाइन में एक्सचेंज करा लो, वहाँ पे रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बाकी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, सारे कार्ड चलते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सारे मैटर हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा, मैंने बहुत ही इन्जॉय किया। हाँ, थोड़ी सी बाउंड्रीज है, बाउंडेशंस हैं, वो मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि हर कंट्री के अपने कानून होते हैं, अपने लॉ होते हैं। बट एक चीज़ चाइना की तारीफ है जी दिल से, कि इतने हाई एटीट्यूड के अंदर इतनी जबरदस्त उसने सड़क से मतलब के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। आप उनके नेशनल हाईवे बुलेट ट्रेन उसने दी हुई है 15,000 फुट की ऊंचाई पे। आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाओगे। मैं किसी कहना नहीं चाहता, बाकी आप समझदार हो कि हम तो अभी 10,000 फीट तक सड़कें भी नहीं लेके जा पा रहे हैं, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, खाने की, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इतनी हाई एटीट्यूड पे हर चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सी चीज़ें कॉस्टिंग लगती है। बट हाँ, एक बात बीच में रहेगी, मैं बतानी भूल गया, लास्ट एक बात बताना भूल गया जी। कैलाश और मानसरोवर की जो यात्रा है सिर्फ इंडियन के लिए बंद है, बाकी सब पासपोर्टों के लिए खुली है। वो 2018 या 19 में से बंद है, जब हमारा चाइना के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद अभी तक खुली नहीं है। अगर आप हिंदू हो या सिख हो बट आपके पास पासपोर्ट अमेरिकन या किसी और कंट्री का है, देन आप विजिट कर सकते हो। इंडियन पासपोर्ट को अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना अलाउ नहीं है। ये जी वापस अपने रूम में आ गए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लासा तिब्बत की सारी सीरीज़ और ये लासा की ट्रैवल गाइड पसंद आई होगी। बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगा जी इस ट्रिप के ऊपर। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी विल पावर हैं, आप ही हमारा हौसला है। आपका साथ, वाहेगुरु जी की कृपा मिले तो चैनल हमारा चल जाएगा, नहीं तो फिर इस सीरीज़ के बाद चैनल डिलीट कर दूंगा जी। ये इस बार फाइनल है, शायद आगे अगर नहीं रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा आगे नहीं कैरी करूँगा यूट्यूब। बहुत ज़्यादा समय पैसा दोनों देना पड़ता है और मज़ा भी नहीं आता फिर ज़्यादा, आप सभी समझ सकते हो। चलिए जी, खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।